मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। संघ आर्थ्रोपोडा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेलिमोन या इसको मैकोब्रेकियम मालकोम्सोनाई कहते हैं। ये द इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन कहा जाता है, भारतीय स्वच्छ जलीय झींगा, स्वच्छ जल में रहने वाला झींगा है। सामान्य भाषा में इसको झींगा मछली भी कह दिया जाता है, लेकिन ये पिसीज वर्ग का सदस्य नहीं है। केवल जल में रहने के कारण इसको मछली कह दिया जाता है, लेकिन ये संघ आर्थ्रोपोडा का बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका उत्पादन संपूर्ण भारत के नदियों और तालाबों में और स्वच्छ जलीय स्रोतों में होता है। भारत इसके उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है और भारत इस प्रॉन का या झींगा का निर्यात करके विदेशी मुद्रा का भी काफ़ी मात्रा में अर्जन करता है, जो कि इसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक जो पेलिमोन है, जो कि द इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन कहा जाता है, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी क्लासिफिकेशन में देखिए, संघ यानी कि फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, उपसंघ यानी सब फाइलम इसका मैंडिबुलेटा है, वर्ग क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्रस्टेशिया है, उपवर्ग यानी सब क्लास मेलेकोस्ट्रेका है, महत्वपूर्ण है ये चीज़ भी, गण ऑर्डर ये बड़ा महत्वपूर्ण है डेकापोडा है, उपगण सब ऑर्डर नेटेंसिया है, कुल फैमिली है पेलिमोनाइडी और वंश जीनस पेलिमोन है और जाति मालकोम्सोनाई है। देखिए, अब हम इसके बारे में जनरल बातें पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, संघ आर्थ्रोपोडा जो है ये दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंटेड यानी संधित और पोडोज का मतलब होता है फूट या पार। तो इस संघ में संधित उपांग वाले जंतुओं को रखा गया है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें लगभग 8 लाख से भी अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्रस्टेशिया एक प्रमुख वर्ग है, जिसमें झींगे यानी प्रॉन्स, केंकड़े, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प, बार्निकल्स और जल पिस्सू यानी वाटर फ्लीज और इनसे संबंधित अन्य जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। इनके शरीर पर पाए जाने वाले कठोर आवरण या बाह्य कंकाल के कारण ही इनका नाम क्रस्टेशिया रखा गया है, क्योंकि क्रस्टा का मतलब होता हार्ड सेल, कठोर आवरण। भारतीय जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्रस्टेशिया वर्ग के प्रतिनिधि जंतु के रूप में पेलिमोन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए पेलिमोन जो है क्रस्टेशिया वर्ग का बड़ा महत्वपूर्ण जंतु है। इसकी सामान्य भारतीय जातियों की अगर हम चर्चा करें तो हम देख रहे हैं पेलिमोन कार्सिनस और पेलिमोन आईडी, ये दो जातियाँ भारत में कोची में पाई जाती हैं। इसी प्रकार पेलिमोन रूडिस जो जाति है बंगाल में पाई जाती हैं, पेलिमोन लेमेरी जो जाति है लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती हैं, इसी प्रकार पेलिमोन मालकोम्सोनाई जिसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे, ये मध्य भारत और तमिलनाडु में पाई जाती हैं, और इसी प्रकार यहाँ जो वर्णन हम अधिकतर पढ़ेंगे वो पेलिमोन मालकोम्सोनाई का पढ़ेंगे। इसका आजकल नया नाम मैक्रोब्रेकियम मालकोम्सोनाई भी है। और देखिए, इस जो पेलिमोन मालकोम्सोनाई जाति है, इसका परिमाण जो साइज है पर्याप्त रूप से बहुत बड़ा होता है, और चूँकि ये सुगमता से उपलब्ध होती है इसलिए ये कक्षा अध्ययन के लिए बहुत उपयुक्त है। और एसएस पटवर्धन वैज्ञानिक द्वारा
इस पेलिमोन मालकोम्सो नई जाति पर एक मोनोग्राफ लिखा गया था जिसे 1937 में द इंडियन जूलॉजिकल मेमोयर नामक एक सीरीज में प्रकाशित किया गया था। पेलिमोन मालकोम्सो नई जो है स्पीसीज, उसके हम स्वभाव और आवास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हैबिट्स और हैबिटेट के बारे में। देखिए, पेलिमोन मुख्य रूप से एलवण जल के स्रोतों जिनमें नदियाँ, तालाब और झीलें आदि हैं, इनमें रहता है। ये रात्रिचर नॉक्टर्नल एनिमल है, रात्रिचर प्राणी हैं जो दिन के समय जो है जलीय स्रोतों की तली में छिपा हुआ रहता है और रात्रि के समय भोजन की खोज में ऊपर सतह की ओर आता है। ये सर्वाहारी ओमनिवोरस होता है जो शैवालों, मॉस और छोटे छोटे कीटों और अन्य जंतुओं, मलबे, डेब्रिस इत्यादि को खाता है। ये जलाशय की तली पर अपनी 10 जो है चरण टांगे वॉकिंग लेग्स की सहायता से धीरे धीरे चलता है और जल की सतह पर जब ये होता है तो अपने 10 जो प्लवपाद प्लीपोड्स होते हैं उनकी सहायता से सक्रिय रूप से जल स्रोतों पर तैरता है। इसे विक्षुब्ध यानी डिस्टर्ब किया जाता है। जब इसे विक्षुब्ध या डिस्टर्ब किया जाता है तो यह अचानक ही अपने अंतिम उदरखंड से जुड़े एक जोड़ी पश्चात पादों यानी यूरोपोड्स द्वारा पीछे की ओर उछल जाता है। शत्रु की पकड़ से बचने के लिए यह अपने एक या अधिक उपांगों का, अपेंडिजेस का त्याग कर सकता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस परिघटना को हम स्वांगोच्छेदन या ऑटोटोमी कहते हैं। जनन काल जो इसका लगभग मई से लेकर जुलाई तक चलता है। इस दौरान जो मादा पेलिमोन है वो अपने उदर उपांगों के बीच बहुत से अंडों को धारण किए हुए देखी जाती है। अब हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकारिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं आकृति एवं परिमाण, शेप एंड साइज। देखिए, इसका शरीर लंबा, लगभग तकवे के आकार का और द्विपार्श्व सममित यानी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है जो तैरते समय कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। विभिन्न जातियों के वयस्कों का परिमाण सामान्यतया भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण जाति जिसको हम पेलिमोन मालकोम्सोनाई, आजकल जिसे मैक्रोब्रेकियम मालकोम्सोनाई कहा जाता है, ये मध्य भारत और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। आप इसका जो है स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे आगे इसका रोस्ट्रम तुंड है, कंपाउंड आइज, संयुक्त नेत्र दिख रहे हैं, ऑर्बिटल नोच दिख रही है आपको, इसके अलावा एंटीनल स्पाइंस ऊपर की ओर, हिपेटिक स्पाइन, कैरापेस जो आवरण है, फिर है आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, संधिकारी जो झिल्ली है जो इसको जोड़ के रखती है इसके जो है कैरापेस को, हिंज जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको बीच बीच में जो कि इसके उपांगों और खंडों के बीच में हैं, एब्डोमिनल टर्गा ऊपर की ओर, एब्डोमिनल प्लूरा नीचे की ओर, नीचे अंतिम खंड से आगे की ओर देखिए एक चाकूनुमा संरचना टेलसन, नीचे की ओर एक जोड़ी यूरोपोड, नीचे की ओर आप देखिए एब्डोमिनल प्लूरा बता ही चुका हूँ मैं आपको, प्लीपोड्स 10 जो देखिए तैरने में काम आते हैं, वॉकिंग लेग्स आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार जो है ये हमारे पेलिमोन का जो नर प्राणी है उसके बाह्य लक्षणों का हमने अध्ययन किया और अब हम आगे चल रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए आप सबसे पहले हम इसमें इसकी आकार प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर ये लंबा है। केरल प्रदेश में मिलने वाला एक दैत्य झींगा जो कि बड़ा होता है आकार में, जिसका नाम है पेलिमोन कार्सिनस, की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक भी बढ़ जाती है, जबकि एक बोना झींगा जिसको पेलिमोन लेमेरी जाति के रूप में इंगित किया जाता है जो संपूर्ण भारत में पाया जाता है, ये केवल 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक ही लंबा होता है।
अगला टॉपिक हमारा रंग या कलरेशन की बात करें तो देखिए शिशु अवस्थाएं इसकी पारवासी ट्रांसल्यूसेंट होती है और सफ़ेद रंग की होती है, परंतु विभिन्न जातियों में वयस्कों का रंग भिन्न भिन्न होता है। सामान्य रंग इनका थोड़ा सा भद्दा पीला नीला या फिर हरिताभ होता है, जिस पर भूरे या नारंगी लाल रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। आरक्षित निदर्श का जो रंग है जो हम अपने अध्ययन के लिए रख लेते हैं उनका गहरा नारंगी लाल रंग हो जाता है। अगला पॉइंट है विखंडीकरण एवं शरीर के भागों के बारे में चर्चा करें तो वयस्क जो झींगा होता है उस प्रोन के शरीर में 19 खंड होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि वयस्क झींगे के शरीर में कुल कितने खंड होते हैं। आपका उत्तर होगा 19 खंड होते हैं और सभी खंड संधित उपांग होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेज के रूप में होते हैं। इसके शरीर को हम स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, इसमें वक्ष और जो सिर और वक्ष का भाग मिलकर सेफेलोथोरेक्स सिरोवक्ष और दूसरा भाग उदर के रूप में बांटा गया है। अब देखिए सबसे पहले हम सिरोवक्ष या सेफेलोथोरेक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए जो सिरोवक्ष या सेफेलोथोरेक्स है ये अगला बड़ा दृढ़ असंधित एवं लगभग बेलनाकार भाग होता है। इसमें 13 खंड पाए जाते हैं। सेफेलोथोरेक्स खंड दो मूल भागों से मिलकर बना होता है, सिर और वक्ष। सिर के अंदर 5 खंड होते हैं, वक्ष के 8 खंड होते हैं और 5 और 8 यानी कि सिर और वक्ष के खंड मिलकर संकलित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। खंडों के बची हुए जोड़ जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और इन सभी खंडों में संधित उपांग देखने को मिलते हैं। अब हम आगे उदर और एब्डोमिन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए उदर और एब्डोमिन की बात करें तो सिरोवक्ष से भिन्न बात करें तो उदर भाग इनका सुविकसित और संधित होता है। उदर भाग में 6 संधित गतिशील खंड और एक अंत्यस्थ शंकु रूप में पुच प्लेट के रूप में टेल्सन होता है। टेल्सन की उत्पत्ति पश्च्य खंडीय होने के कारण इसे खंड नहीं समझा जाता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसे आप सब लोग नोट करें कि टेल्सन की उत्पत्ति पश्च्य खंडीय होने के कारण इसे खंड नहीं माना जाता, क्योंकि पश्च्य खंड से इसकी उत्पत्ति है इसलिए इसको खंड नहीं माना जाता है। उदरीय खंड ऊपर की ओर मेहराबदार पार्श्वीय तलु से दबे हुए और सामान्यतः सेफेलोथोरेक्स के नीचे मुड़े होते हैं, जिससे इस जंतु की आकृति सामान्य रूप से कोमाकार दिखाई देती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद में उदर इनका वृत्ताकार दिखाई देता है। प्रत्येक उदर खंड में एक जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं जिन्हें प्लवपाद या प्लूपोड्स या तरणपाद या स्विमरेट्स कहते हैं, क्योंकि ये तैरने का काम करते हैं। चौथा पॉइंट देखें बाह्य छिद्र एक्सटर्नल अपर्चर की बात करें। सेफेलोथोरेक्स के अग्र सिरे पर एक दरार के नुमा दरार के समान मुख या माउथ मध्य अधर तल में खुलता है। गुदा भी एक लंबे छिद्र के समान अधर सतह पर एक पुच्छखंड के आधार पर स्थित पाई जाती है। युग्मित यानी जोड़े के रूप में वृक्ष छिद्र रीनल अपर्चर श्रृंगिकाओं के कक्षांगों यानी कोक्सा के आंतरिक सतह पर उभरी हुई पेपिलियों के रूप में खुलती है और इसके बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।